श्रृंगार चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके संग कुछ होम एंड किचन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, पर अगर आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका काम इजीली और जल्दी भी हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स भी होंगे और कुछ मैं आपको यूजफुल किचन के प्रोडक्ट्स भी इस वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर जो हमारे घर में प्रॉब्लम होती है, जो हमारा वॉश बेसिन होता है, कुछ लोगों के घर उसमें प्लेटफॉर्म नहीं होता है तो हैंड वॉश वगैरह हमें वॉश बेसिन के ऊपर ही रखना होता है और ये बार बार गिरता रहता है या हमें काम करने में प्रॉब्लम भी करता है। जब हम टैप्स वगैरह ओपन करते हैं तब भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब इस हैंड वॉश को हम कहाँ रखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता रही हूँ। आप एक इस तरह का एक सोप डिस्पेंसर खरीद सकते हैं। ये मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तीनों पे ही मिल जाता है। मैं अपने सारे ही जो वॉशरूम्स हैं उसमें इसको यूज़ करती हूँ। केवल दो ड्रिल करने के बाद ये इजीली स्टिक हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्टिक भी कर सकते हैं, पर ड्रिल करना काफ़ी अच्छा रहता है। और देखिए, इसमें आप कम से कम 500 ml तक सोप भर सकते हैं और एक बार भरने के बाद आप फ्री हो जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए और बार बार आपको हैंड वॉश फिल भी नहीं करना पड़ता है और आपका ये काम बहुत ईजिली होता है। और जो आपका वॉशरूम है वो भी एक काफ़ी अच्छा सा लुक भी देता है। कोई आपके घर गेस्ट आते हैं तब भी आपका थोड़ा प्रेजेंटेबल वॉशरूम दिखता है। और देखिए, बहुत ही ईजिली इसमें से सोप निकालना भी होता है, तो अगर आप इसको लगाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको मैंने केवल 277 रुपीज में लिया है और इसको मैं 2-3 साल से यूज भी कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब हम लोग सोप वगैरह वॉश करते हैं तो जो हमारे बर्तन धोने का स्क्रबर होता है उसको हम सोप के ऊपर ही रख देते हैं। इससे एक तो इसमें जर्म्स डेवलप हो जाते हैं और दूसरा हमारा सोप भी काफ़ी गलता है। तो आप जो हमारा स्क्रबर होता है उसको रखने के लिए एक सोप केस अलग से रख सकते हैं। तो ये जो मैं आपको सोप केस दिखा रही हूँ इसको आप मीशो से ले सकते हैं। इसको कोई ड्रिल नहीं करना होता है, बस टाइल पर आप इसको स्टिक कर दीजिए। स्टिकर संगाता है। स्टिक करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना है, टाइल को हमें अच्छे से पोंछ के सुखा लेना है, उसके बाद ही लगाना है, फिर आप स्टिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, इसको मैंने 140 रुपीज़ में सेट ऑफ टू लिया है, तो आप इसको दो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा सोप केस आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपका स्क्रबर एकदम जर्म फ्री रहने वाला है। अक्सर बच्चे छोटे होते हैं और उनके सॉक्स नए ही रहते हैं और कई बार उनका जो पेयर होता है उसमें से एक मिस हो जाता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक ये जार था, इसका कैप भी खराब हो चुका है तो इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरे पास एक ये नया सॉक्स पड़ा था, इसको नीचे से कट कर सकते हैं और देखिए इसमें आप अपने स्पून और फोक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको आप अपने डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। देखने में ये बिल्कुल मार्केट जैसे ऑर्गेनाइजर जैसा ही लगता है। अक्सर हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, चिप्स वगैरह खरीदते हैं, तो वो खुला पैकेट सील जाता है, तो इस तरह का क्लिप आप अपने पर्स में रख सकते हैं। पर कई बार क्लिप लगाने के बाद भी अंदर का जो हमारा सामान होता है वो सॉगी हो जाता है, तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। जब आप क्लिप लगाएं उससे पहले आप कोई टिश्यू पेपर इसके ऊपर रैप कर लीजिए, अब आप इस क्लिप को लगाइए। ऐसा करने से जो आपका क्लिप है वो काफ़ी टाइटली बंद होगा और अंदर का सारा सामान एकदम क्रिस्पी रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। जो हम लोग की आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है या गोल्ड की भी ज्वेलरी होती है, उसकी चमक अक्सर कम हो जाती है, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। देखिए, इस टाइप के डेसिकेंट पाउच अक्सर हम लोग के बर्तन वगैरह के संग, शूज़ वगैरह, पर्स वगैरह में अक्सर मिल जाते हैं, तो इनको आप संभाल के रखिए। ज्वेलरी के संग आप इसको भी रखिए, इससे आपकी ज्वेलरी की सारी नमी ये सोख लेगा और ज्वेलरी नई सी बनी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्क्रब रोल है, इसको मैंने आपको एक मीशो हॉल में दिखाया भी था। एक साइड से इसमें फोम होता है और एक साइड से सैंड पेपर जैसा ये होता है। इससे आप जो बर्तन पे बहुत टाइट गंदगी जमी होती है उसको क्लीन कर सकते हैं और ये कॉपर के बर्तन क्लीन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। पूजा में अक्सर हम सभी लोग कॉपर के बर्तन ही यूज़ करते हैं और मैं अपने जो पूजा के बर्तन होते हैं उसके जो बर्तन होते हैं उनको क्लीन करने का स्क्रब भी अलग ही रखती हूँ, नॉर्मल वाले से इसको वॉश नहीं करती हूँ। देखिए, कोई भी वॉशिंग पाउडर या पीतांबरी लगाइए और हल्का सा ही आप इससे रब करेंगे तो आपके कॉपर के बर्तन एकदम से चमक जाते हैं और आपको फटाफट से रिजल्ट भी मिल जाता है। डेली क्लीनिंग में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला जो मैं आपको टिप बता रही हूँ, देखिए इस टाइप के जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं अक्सर चिप्स वगैरह के संग आ जाते हैं,
तो मैं इनको रीयूज कर लेती हूँ। मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसको रैप कर सकते हैं, अगर रैप करने का टाइम नहीं है तो जो पेपर बैग वगैरह आते हैं ना उसके अंदर आप इसको डाल के रैप कर दीजिए, फटाफट से आपका काम हो जाएगा बिना मेहनत के। अब देखिए बॉक्स हमारा रेडी हो गया है। इसमें मैं जो मेरे चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं, ट्रेज वगैरह होती हैं, वो मैं एक ही जगह पर रख देती हूँ तो सारा सामान ऑर्गेनाइज वे में रखा रहता है। और इसका मैं आपको एक और यूज़ बता रही हूँ, जो हमारे और पेपर बैग्स वगैरह आते हैं तो उनको भी आप एक ही बैग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अक्सर जो पेपर बैग्स हमको शॉपिंग में मिल जाते हैं वो घर में यूं ही पड़े रहते हैं, तो इस टाइप के बॉक्स में आप सारे बैग्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे सारे जो बैग्स हैं वो एक ही जगह रखे रहेंगे और इनको अंदर आप किसी कबर्ड में रख सकते हैं, ज़रूरत पर ईजिली मिल भी जाएंगे। जिन लोगों को प्याज कट करने में काफ़ी परेशानी होती है, जब प्याज कट करते हैं तो आंखों से काफ़ी पानी आता है, तो उसके लिए मैं आपको एक सलूशन बता रही हूँ। प्याज कट करने से आप लगभग 10 मिनट पहले प्याज को फ्रीजर में रख दीजिए और फिर आप फ्रीजर से निकाल के प्याज को कट करिए, आपकी वाली प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हैक जो मैं फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए अक्सर मैं अपने जो किचन की टूल्स वगैरह होते हैं वो इस टाइप के बॉक्स में रख देती हूँ, ज़रूरत पड़ने पे इजी हो रहता है उसको निकाल कर एक्सेस करना। पर कई बार मैं किचन यूज़ नहीं कर रही होती हूँ या मुझे भी प्रॉब्लम होती है कि किस बॉक्स में क्या रखा है, तो फ्रेंड्स जब मैं कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आती हूँ तो जो उसकी पैकिंग होती है उसको मैं संभाल कर रखती हूँ। जैसे कुकी कटर की पैकिंग है, इसको मैंने कट कर लिया है, इसको आप बॉक्स के ऊपर ही स्टिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे और आपके एब्सेंस में अगर कोई और किचन यूज़ कर रहा है तो उसे भी सामान इजीली मिल जाएगा। फ्रेंड्स अक्सर हम लोग जो कोकोनट होता है, गोला बोलते हैं, जो ड्राई कोकोनट होता है घर में आता है ऐसे ही रखा रहता है और पड़ा पड़ा सूख जाता है या ख़राब हो जाता है, तो इसको आप ग्रेट कर लीजिए और इसे किसी कांच के जार में भरकर फ्रीजर में रख दीजिए, ज़रूरत होने पर निकाल कर इसको यूज़ कीजिए, वापस से ये फ्रेश हो जाएगा और आपका कोकोनट जो है वो कभी ख़राब भी नहीं होगा। ये फ्रेंड्स जो मैं आपको टिप बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, मोस्टली हम सभी लोग ये गलती करते हैं तो आप आगे से गलती ना करें इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मलाई को हम सभी लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं किसी बर्तन में रखकर, तो जब हम ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखते हैं लगभग एक वीक भी, तो हमारी मलाई में हेल्थ बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, तो इसको आप फ्रिज की जगह फ्रीजर में रखिए, इससे आपकी मलाई हेल्दी भी रहेगी और घी भी काफ़ी अच्छा बनेगा। जब हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं और जब हम प्रेशर कुकर खोलते हैं तो देखते हैं दाल काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो इसमें कभी भी आप ठंडा पानी मत मिलाइए, हमेशा पानी को बॉईल करने के बाद ही मिलाइए। इसके बाद आपको दाल में कुछ नहीं करना होगा, दाल वैसे ही रहेगी एज इट इज़ पकी हुई और आपका दाल का टेक्स्चर एकदम बढ़िया हो जाएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।